cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। जिंदगी की सच्ची घटनाओं को समेट उन्हें कहानी का आकार देते हैं। कुछ इसीलिए ही हम कहानीकार कहलाते हैं। मेरे जीवन में वह एक अद्भुत घटना थी। लगभग 3 साल पहले की बात है। मुझे बांग्लादेश के प्रमुख शहर बड़ीशाल के उस पार किसी काम से जाना पड़ा था। दोपहर के लगभग 12 बजे मैं एक नाव पर बैठा। मेरे साथ उस नाव पर बड़ीशाल के ही एक व्यक्ति थे। उनसे बातचीत करते हुए समय कटता गया। दुर्गा पूजा के बाद के ही दिन थे। आकाश में बादल घिर आए थे। बीच बीच में हल्की बारिश भी हो रही थी। शाम के कुछ पहले ही आकाश बिल्कुल साफ हो गया। छिटपुट बादलों के बीच से चतुर्दशी चांद की रोशनी छिटक रही थी। शाम होने पर हमने बड़ी नदी को छोड़कर एक छोटे नहर में प्रवेश किया। मुझे पता चला कि यह नहर यहां से शुरू होकर नोआखाली होते हुए मेघना नदी में जाकर मिलता है। बांग्लादेश आने का ये मेरा पहला अवसर था। सब कुछ जैसे नया लग रहा था। बीच बीच में नदी के दोनों तरफ काफी बड़े मैदान थे जिसमें लगे सती बेत फर्न के गुच्छे नदी में झुक आए थे। बाहर ठंड होने पर भी मैं बाहर निकलकर सब कुछ देखते हुए ही जा रहा था। बड़ीशाल का यह अंश सुंदर वन के पास ही है। चारों तरफ छोटी छोटी नदियां और नहरें हैं। यहां से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है। 10-15 मील दक्षिण पश्चिम में हाथिया एवं संदीप नाम के द्वीप समूह हैं। रात कुछ और गहरी हुई। नहर के दोनों तरफ निर्जन जंगल छुटपुट रोशनी में बहुत अजीब लगने लगे। वहां बस घने जंगल। मेरे साथी ने कहा, इतनी रात को आप बाहर न रहें, चलिए अंदर चलिए। इन सब जंगलों में आप समझ रहे हैं ना? हाँ? इसके बाद वह सुंदर वन के अजीबोगरीब किस्से सुनाने लगे। रात के लगभग 12 बज रहे थे। हमारी नाव में केवल एक ही माझी था। वह कह उठा, बाबू इसके बाद तो बड़ी नदी है, उसमें मैं अकेले पाल नहीं उठा पाऊंगा, यही नाव रोक दूं। नाव वहीं बांधी गई। इधर विशाल पेड़ों के पीछे चांद छुप गया। मैंने देखा नदी के दोनों तरफ दूर तक फैला हुआ घना जंगल, चारों तरफ निस्तब्ध सन्नाटा। कीट पतंग भी खामोश हो गए हैं। अपने साथी से मैंने कहा, महाशय यह खाल इतनी सक्रिय है, पास से बाघ न कूदाए। कूदाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उनका यह जवाब सुनकर मुझे बड़ा रोमांच हो आया। थोड़ी देर यूं ही बैठे रहने के बाद साथी ने कहा, नींद तो नहीं आएगी और सोना ठीक भी ना होगा। आइए थोड़ा सुस्ता ले। थोड़ी देर चुप रहने के बाद साथी को आवाज लगाने पर पता चला वे सो गए हैं। माझी भी शायद सो गया था। मैंने सोचा तब भला मैं ही क्यों बेकार में जगा रहूं। उसके बाद जो घटा वही मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव है। मैं सोने जा ही रहा था तभी उस घने अंधकार में दूर घने जंगलों की झुरमुट से हल्की सी आवाज आई। लगा कोई ग्रामोफोन बजा रहा था। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। ग्रामोफोन? इस जंगल में इतनी रात गए भला ग्रामोफोन कौन बजा सकता है? कानों पर और जोर देने पर लगा घने जंगलों के बीच में जैसे कुछ लोग ऊंचे करुण स्वर में कुछ कह रहे हैं।
थोड़ी देर ध्यान से सुनने से लगा जैसे कई लोगों का कंठ स्वर है। पड़ोसी के घर से जैसे ग्रामोफोन बजने पर थोड़ा स्पष्ट थोड़ा अस्पष्ट सा स्वर कानों में पहुंचता है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा था कि यह किसका स्वर है। वह शब्द लगभग एक मिनट तक स्थायी रहा, उसके बाद जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। मैं तुरंत नाव के बाहर आया। चारों तरफ अंधकार, वन भूमि नीरव, केवल नाव के नीचे जल का स्वर। मैंने सोचा साथियों को जगा दूं, फिर सोचा बेचारे सो रहे हैं तो क्यों जगाऊं, उससे अच्छा है खुद ही जगा रहूं। खड़े होकर मैंने एक सिगरेट सुलगाई। फिर जैसे ही अंदर प्रवेश करने जा रहा था, मुझे स्पष्ट ही ऊंचे स्वर में एक आर्तनाद सुनाई पड़ी। हम मर रहे हैं, बचा, बचा, रुको, या, या, हम बचा, बचा, रुको, 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 तीर के समान ये आवाज आसमान के सीने को चीर गई। मांझी हड़बड़ा कर उठ बैठा। हे भगवान, सुना आपने बाबू, सुना? मैंने अपने साथी को जगाया। महाशय, महाशय, उठिए, उठिए। मांझी मेरे पास आकर सट गया। क्या हुआ भाई, जगाया क्यों? कोई जानवर है क्या? हैं? मैंने उन्हें सारी बातें समझाई। हम तीनों मिलकर बाहर आए। हमारे कान खड़े थे, चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। भाटे के पानी का स्वर पहले से भी ज्यादा था। साथी ने मांझी से पूछा, तो ये क्या फिर? हाँ बाबू, यही तो कीर्ति प्रसाद राय का गढ़ है। तुमने इतनी रात गए यहाँ नाव क्यों बांधी, बेवकूफ गायका। हम तीनों एक साथ हैं इसलिए, और फिर इस बहाव में नाव पीछे कैसे करता? उनके बातचीत का तरीका सुनते हुए मैंने कहा, क्यों महाशय, बात क्या है, आप कुछ जानते हैं क्या? साथी ने मांझी से कहा, अरे तू अपनी लालटेन जला, कम से कम रोशनी तो रहे, अभी तो बहुत रात बाकी है। मैंने मांझी से पूछा, तूने सुनी है वो आवाज? हाँ बाबू, उसकी आवाज से ही तो मेरी नींद टूटी। मैंने तो नाव बांधते हुए दो बार उस आवाज को सुना है। ये आवाज यहाँ की अद्भुत चीज है, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं रहता, इसलिए केवल पुराने मांझी ही इसके बारे में जानते हैं। इसके पीछे गहरा इतिहास है, हालांकि ये लोग उस इतिहास से परिचित नहीं हैं। मैं आपको वो इतिहास बताता हूं, सुनेंगे? इसके बाद उसी लालटेन की रोशनी में अंधेरे में बैठकर अपने साथी के मुख से मैं कीर्ति राय के गढ़ का इतिहास सुनने लगा। 300 साल पहले की बात है, ये पूरा इलाका कीर्ति राय के अधिकार क्षेत्र में था। यहां उनका सबसे मजबूत गढ़ था, क्योंकि ये इलाका समुद्र तट से नजदीक था, इसलिए समुद्री लुटेरों का बहुत आतंक था। ये समुद्री लुटेरे पोर्तुगीज थे। संदीप टापू तब पोर्तुगीज लुटेरों का प्रधान अड्डा था। इनके आक्रमण से आत्मरक्षा करने के लिए इस अंचल के सभी जमींदारों को सैन्य दल गढ़ना पड़ता था, और कीर्ति राय ने भी बहुत बार इन लुटेरों से लड़ाई की थी। कीर्ति राय के अधीन तब सैन्य बल, सामंत तथा युद्धकोश था, लेकिन कीर्ति राय अत्यंत अत्याचारी और बेखौफ जमींदार थे। उनके राज्य में शायद ही ऐसी कोई सुंदरी रही हो
जिसे उनके महल में न घसीटा गया हो। वो खुद भी एक प्रकार से समुद्री लुटेरे ही थे। उनकी खुद की अनेक छोटी नावें थी। उनकी नजदीकी जमींदारी उनके ही परम मित्र की थी। मित्र के निधन के बाद उनके पुत्र नर नारायण राय को उनकी जमींदारी का भार मिला। नर नारायण तब नौजवान थे, बहुत ही भले, वीर तथा शक्तिशाली। कीर्ति राय के पुत्र चंचल राय और नर नारायण हम उम्र थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। उस बार कीर्ति राय के निमंत्रण पर नर नारायण कुछ दिनों के लिए उनके यहां घूमने आए। चंचल राय की पत्नी लक्ष्मी देवी पति के दोस्त नर नारायण को देवर मानकर स्नेह करने लगी, लेकिन नर नारायण थोड़े गंभीर स्वभाव के थे। लक्ष्मी देवी की व्यंग भरी ठिठोलियों से किसी तरह अपना मान बचाकर चलते, पर आए दिन किसी नए मजाक में फंस जाते। स्नान करके निकलने पर उनकी पगड़ी गायब हो जाती, उनकी प्रिय तलवार दिन भर में 5 बार गायब हो जाती और 5ों बार अप्रत्याशित जगह से खोजकर मिलती। पान में ऐसी चीजें डाल दी जाती कि वे पान खा ही नहीं पाते। दोस्त की पत्नी के अत्याचार से वे परेशान हो उठे। उन्होंने तय किया कि उनकी दोस्त की पत्नी का दिमाग शायद थोड़ा खराब है। नर नारायण की हालत पर मन ही मन खुश होने पर भी दिखावे के लिए चंचल राय ने पत्नी से कहा, क्यों परेशान कर रही हो, 2 दिन के लिए तो आया है बेचारा, हो सकता है दोबारा आए भी नहीं। कुछ दिन ऐसे ही कट गए। फिर कीर्ति राय के आदेश पर चंचल राय को गौड़ की यात्रा पर जाना पड़ा। नर नारायण को डर था कि बंधु की पत्नी जाने कब क्या कर बैठे। उन्होंने भी अपने घर का रुख पकड़ा और शांति की सांस ली। जाने के समय लक्ष्मी देवी ने फिर एक कटाक्ष किया, अब जब आएंगे भैया तो ऐसे किसी को लाना जो रात दिन तुम्हारी चीजों पर पहरा दे सके, समझे। नर नारायण की नाव थोड़ा आगे निकली थी कि समुद्री लुटेरों ने उसे घेर लिया। दोपहर का समय था, उस वक्त समुद्र में ऐसी कोई नाव नहीं थी जो उनकी मदद कर सकती। वो टनल समुद्री लुटेरों का प्रधान अड्डा था। नर नारायण की नाव के लोग जख्मी हो गए। खुद नर नारायण लुटेरों से लड़ते हुए चोट खाकर बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने देखा कि वे एक अंधेरे कमरे में सोए हुए हैं। बहुत दूर एक रोशनी टिमटिमा रही है। जिस ठंडी मेज पर वो सोए थे उसकी दीवारों पर गहरे हरे रंग की काई उग आई थी। कई दिन और कई रात इसी तरह कट गए। कोई उन्हें खाना देने तक ना आया। वे समझ गए जिन्होंने उन्हें यहां बंद कर रखा है वे लोग उन्हें यूं ही भूख से तड़पा कर मार डालना चाहते हैं। आंखों के सामने निर्मम मृत्यु देखकर वे कांप उठे। पानी, 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 पानी। और कुछ दिन यूं ही बीत गए। अंधेरे में भूखे प्यासे ठंडी मेज पर लेटे हुए अधीरता से मृत्यु का इंतजार करने लगे। प्रकृति में एक प्रकार का क्लोरोफार्म होता है जो मरते हुए इंसान के कष्ट को कम कर देता है। नर नारायण भी उसी दयामयी मृत्यु की तंद्रा में समाने लगे। बहुत समय बाद अचानक रोशनी के तेज से उनको होश आया। उन्होंने विस्मित होकर आंखें मलते हुए देखा। हाथों में जलता प्रदीप लेकर उनके सामने बंधु पत्नी लक्ष्मी देवी खड़ी थी। कौन
कौन? बचा लो। लक्ष्मी देवी ने हाथ के इशारे से उन्हें बात करने से रोका। जलते हुए प्रदीप को आंचल से ढककर उन्होंने इशारे से नरनारायण को पीछे आने को कहा। एक बार नरनारायण को संदेह हुआ, कहीं ये सब स्वप्न तो नहीं है? नहीं, स्वप्न नहीं। उस दिए की रोशनी में कमरे की हर चीज साफ दिख रही थी। नरनारायण बलशाली युवक थे, भूख से कमजोर हो गए थे, पर मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा से लक्ष्मी देवी के पीछे चलने लगे। एक गोलाकार सीढ़ी पर चढ़ने के बाद वे एक लंबी सुरंग के सामने आकर खड़े हो गए। सुरंग को पार करने पर उन्होंने देखा कि वे कीर्ति राय के राजमहल के सामने जो झील थी उसके सामने खड़े थे। लक्ष्मी देवी ने एक छोटी सी थैली देते हुए नरनारायण से कहा, इसमें खाना है, लेकिन यहां मत खाना। तुम तो तैरना जानते हो, तैर कर झील के उस पार चले जाओ। उस पार जाकर कुछ खा लेना और जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ। मामला नरनारायण की समझ में आ गया। उनकी अनुपस्थिति में कीर्ति राय ही उसकी जमींदारी के मालिक बनेंगे। इतनी विस्तृत जमींदारी तथा सैन्य सामंत हाथ आने पर वो क्या दूसरा कुछ सोच भी सकते थे? दिए की रोशनी में नरनारायण ने गौर से देखा कि लक्ष्मी देवी के मुख पर सदा विराजमान हंसी की रेखा गायब थी, बल्कि एक करुण भाव, सहानुभूति, ममता से उनका चेहरा उज्ज्वल था। उस गहरी अंधेरी रात में नरनारायण आवेग पूर्ण स्वर में लक्ष्मी देवी से पूछ बैठे, भाभी, इस षड्यंत्र में क्या चंचल भी शामिल है? नहीं भैया, वो इस षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए तो उन्हें गौड़ भेज दिया है। ये सब कुछ मेरे ससुर जी का ही किया धरा है। नरनारायण ने देखा शर्म से लक्ष्मी देवी का चेहरा लाल हो गया। मुझे तो आज ही पता चला, हमारा बाइक सरदार मुझे माँ कहकर बुलाता है। उसी की मदद से तो रात को चौकीदार को हटाकर इसीलिए तो आप आई हूँ। भाभी, मेरी एक छोटी बहन थी जिसका बचपन में ही देहांत हो गया था। तुम मेरी वही छोटी बहन हो, आज फिर लौट आई हो। लक्ष्मी देवी का मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। थोड़ा हिचकिचाकर उन्होंने कहा, भैया, कहने का तो साहस नहीं है, फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ। यदि बहन मानते हो तो मेरी बात जरूर रखना। कौन सी बात? तुम मुझे वचन दो भैया कि तुम मेरे ससुर जी का कोई अनिष्ट नहीं करोगे। भाभी, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे ससुर का कोई अनिष्ट नहीं करूंगा। विदाई लेते समय नरनारायण ने एक बार पूछा, भाभी, आप ठीक से चली जाएंगी ना? मैं ठीक से चली जाऊंगी, लेकिन तुम जितनी दूर हो सके तैर कर चले जाओ। नरनारायण उस घने अंधकार में निशब्द झील के पानी में उतर गए। काफी दूर तैरने के बाद वे सुरक्षित अपने महल में पहुंच गए। इधर लक्ष्मी देवी का प्रदीप पहले ही हवा से बुझ गया था। वे अंधकार में अपने घर यानी कि कीर्ति राय के गढ़ में लौटने लगी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि पास की छोटी सी झील में दो छोटी नावों में मशाल जल रही थी। उनका कलेजा कांप गया। सर्वनाश, तब क्या उन लोगों को खबर हो गई? चलते हुए गुप्त सुरंग तक पहुंचकर उन्होंने देखा सुरंग का मुंह खुला हुआ ही है। उन्होंने तुरंत सुरंग में प्रवेश किया। कीर्ति राय समझते थे अपनी ही हाथ की उंगली अगर जहरीली हो जाए तो उसे काटने में ही शरीर की भलाई है। अगले दिन
फिर सवेरा हुआ, मगर लक्ष्मी देवी को फिर किसी ने नहीं देखा। हिंसक रात के अंधेरे ने उन्हें ग्रास कर लिया। नरनारायण अपनी राजधानी में बैठकर सब कुछ सुनते रहे। सुरंग को दोनों ओर से बंद कर कीर्ति राय ने अपनी बहू की हत्या की थी, ये सुनकर वे चुप रहे। इसके कुछ दिनों बाद खबर मिली कि चंचल राय का विवाह कहीं और तय हो गया है। उस रात चांद निकलने पर नरनारायण राय अपने महल की छत पर आकाश की तरफ टकटकी लगाए हुए थे। उन्हें अभागिनी लक्ष्मी देवी की याद आ गई। नरनारायण के पूर्वज हिंसक डाकू हुआ करते थे। अचानक उनके अंदर पूर्वजों का खून उबाल मारने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, भाभी मैंने अपना अपमान मान लिया, लेकिन तुम्हारा अपमान मैं हरगिज नहीं मानूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर शीतकाल की एक ठंड भरी रात में कुहासा कटने पर देखा गया कि कीर्ति राय का घर शत्रुओं के जहाजों से भर गया है। तोपों की आवाज से कीर्ति राय के घर की जड़ें कांप उठी। कीर्ति राय ने सुना आक्रमणकारी नर नारायण राय था, साथ में था पोर्तुगीज लुटेरा सेबास्टियन गोंजालेस। दोनों के सैन्य बल मिलाकर लगभग 40 नावें कीर्ति राय के गढ़ पर आक्रमण करने को तैयार थी। इस आक्रमण के लिए कीर्ति राय तैयार थे, लेकिन नर नारायण का साथ गोंजालेस देगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। दरअसल पिछले कई सालों से कीर्ति राय के मित्रों से गोंजालेस की शत्रुता थी, इसी कारण से गोंजालेस ने नर नारायण का साथ दिया। हार निश्चित होने के बावजूद कीर्ति राय के घर से भी तोपे चली। गोंजालेस दक्ष नौसैनिक था, उसके नेतृत्व में जहाजों को गढ़ के नहर में घुसते समय कीर्ति राय के सैनिकों से काफी बाधा प्राप्त हुई। कीर्ति राय के गढ़ की तोप गोंजालेस के सैनिकों की ओर इतनी प्रखर थी कि नहर के मुख पर खड़े रहने पर गोंजालेस के कई सैनिक मारे गए। गोंजालेस ने छोटे नहर के मुख्य द्वार पर दो तोपों वाला जहाज खड़ा कर बाकी जहाजों को वहां से हटाकर कीर्ति राय के गढ़ के पीछे खड़ा कर दिया। गोंजालेस की सेना का सबसे वीर लुटेरा माइकल रोजारियो द वेगा इस छोटे नहर के बीच में घुसकर गढ़ के पश्चिम तरफ से आक्रमण करने को तैयार हुआ। अचानक हुए इस आक्रमण से कीर्ति राय के नाविकों का नहर में फंस जाना स्वाभाविक था। उनकी हालत बोतल में बंद होकर दम घुटने जैसी हो गई। वे बाहर बड़ी नदी में जाकर युद्ध करने में असमर्थ हो गए। फिर भी उनके पराक्रम से रोजारियो को काफी देर तक जूझना पड़ा। कीर्ति राय की नौसेना काफी मजबूत थी, उनके घर से पोर्तुगीज लुटेरों का अड्डा संदीप दूर नहीं था। रोजारियों की तोपों से गढ़ का पश्चिमी हिस्सा ढह गया। कीर्ति राय के घर की तोपें शांत पड़ चुकी थी, अंधेरा घिर आया था। कीर्ति राय के घर के ऊपर आसमान में कुछ गिद्ध घेरा बनाकर मंडरा रहे थे। अचानक विजय उल्लास में नर नारायण राय की आंखों के सामने लक्ष्मी देवी का दयनीय चेहरा तैर उठा। उनकी विनती याद आ गई। तुम मुझे वचन दो भैया कि तुम मेरे ससुर जी का कोई अनिष्ट नहीं करोगे। नर नारायण घोर पश्चाताप से भर गए। ये क्या किया उन्होंने, इस तरह उन्होंने अपने प्राण बचाने वाले भाभी के अनुरोध का पालन किया। नर नारायण ने अपने सैनिकों को हुक्म जारी किया, कीर्ति राय के परिवार के किसी भी सदस्य को मारा ना जाए। कुछ देर बाद ही समाचार मिला, घर के अंदर तो कोई है ही नहीं। नर नारायण विस्मित हो उठे। उन्होंने खुद गढ़ में प्रवेश किया।
गढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा। वाकई वहां कोई नहीं था। सैनिकों के गढ़ को लूटने पर कुछ भी मूल्यवान हाथ नहीं आया। दूसरे दिन दोपहर तक लूटपाट चलती रही। कीर्ति राय के परिवार का एक भी प्राणी नहीं मिला। दोपहर में केवल दो नाव का पहरा लगाकर नरनारायण लौट गए। उसके बाद पुर्तगीज लुटेरों का दल लूटपाट करके चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद कीर्ति राय का एक कर्मचारी गढ़ में घुसा। आक्रमण के दिन वह सुबह सुबह ही और कर्मचारियों के साथ भाग खड़ा हुआ था। घूमते घूमते एक बड़े खंभे के कोने में उसने देखा एक आहत व्यक्ति उसे बुलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। पास जाकर उसने पहचाना, वो कीर्ति राय के परिवार का एक विश्वस्त पुराना कर्मचारी था। मृत्यु उसे ग्रास करने ही वाली थी। उसके अस्पष्ट शब्दों से जो अर्थ उसने निकाला, उससे उसके पसीने छूट गए। उस आहत व्यक्ति के अनुसार कीर्ति राय ने अपने पूरे परिवार एवं समस्त धनराशि समेत जमीन के नीचे एक गुप्त स्थान में आश्रय लिया था। उस गुप्त स्थान की जानकारी उसके अलावा और किसी को नहीं थी। उस जमाने में प्रायः हर घर में इस प्रकार के गुप्त स्थान होते थे। ये इसी तरह से बनाए जाते थे कि अगर कोई इन्हें खोल ना दे तो इसमें से बाहर निकल पाना असंभव था। जमीन के नीचे कीर्ति राय के गुप्त स्थान का पता बताने के पहले ही वह विश्वस्त कर्मचारी मारा गया। बहुत खोजबीन करने पर भी उस गुप्त स्थान का पता नहीं चला। इस तरह कीर्ति राय एवं उनका समस्त परिवार मिट्टी के नीचे दबकर भूख से तिल मिलाकर तिल तिल कर मारा गया। घर के नीचे उनके गुप्त स्थान का कुछ भी पता नहीं चला। आज भी कीर्ति राय के मृत परिवार जनों की हड्डियां घर के नीचे कहां पर दबी है, ये कोई नहीं जानता। ये जो छोटी झील है, ये वास्तव में संदीप चैनल का ही हिस्सा है। इस खाड़ी के किनारे थोड़ी दूर जाने पर ही कीर्ति राय का विशाल ध्वंस गढ़ आज भी मौजूद है। काफी दिनों से यहाँ एक अद्भुत घटना घट रही है। मध्य रात्रि में जब सारा वन निस्तब्ध हो जाता है, पेड़ों की टहनियां जब अंधकार में प्रेत के समान लगने लगती है, तब नाव लेकर इस झील को पार करने वालों के कानों में दूर कहीं से जाने कितनी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वही आवाज, हाँ सुनिए आपने, वही आवाज। अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सके। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।